मात्र 10 रुपए में जब आपको लाखों टोकन मिले, और भैया जब वेबसाइट पे आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि अगले 9 महीने में टोकन की प्राइस लगभग दोस्तों अगर आप देखें तो 1 रुपए से बिल्कुल आराम से ऊपर चली जाएगी, लगभग 3 रुपए जाने की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, और 10 रुपए में लाखों टोकन मिल रहे हैं, यानी कि 10 रुपए में लखपति बन जाएंगे, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। इस कॉइन के बारे में आपने वीडियो बहुत सारे चैनल्स पे पहले ही देख ली होगी दोस्तों, बट आज मैं बात कर रहा हूँ इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, यहां पे कोई भी बाइंग कॉल देने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, ना ही मैं आपको बाय करने के लिए कह रहा हूं, बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाला है। और सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, मात्र 10 रुपए इन्वेस्ट करके आप लाखों टोकन यहां पर बाय कर सकते हैं। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है चार्ली इनू फाइनेंस के बारे में, ये भैया अगले 9 महीने में ये बात करें टोकन की प्राइस $0.5 तक लेके जाने की। और जब भी दोस्तों कोई भी टोकन मार्केट में नहीं आती है तो लोगों के मन में एक डाउट जरूर से होता है भैया टोकन को खरीदे ना खरीदे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टोकन होती है भैया जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज तक जाती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज तक जो टोकन पहुंचती है वहाँ पे कम से कम लोगों के मन से एक डाउट खत्म हो जाता है, भैया ये टोकन कम से कम भागेगी तो नहीं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आ चुकी है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो चार्ली फाइनेंस है दोस्तों, यहाँ पर ये लिस्ट हो रही है सीधे सीधे कहाँ पर भैया एजेड बिट, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और यहाँ पर हमें एजेड बिट की तरफ से ट्वीट भी देखने को मिल चुका है कि भैया ये जो है चार्ली इनू फाइनेंस जो कि है दोस्तों, चार्ली फाइनेंस इसे लिस्ट करने वाली है 1 फरवरी को, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं ट्वीट आ चुकी है। तो यहां पे एक खुशखबरी है उन होल्डर्स के लिए जिन्होंने चार्ली फाइनेंस को सबसे पहले जब लाइव लॉन्चिंग हुई थी वहां खरीद लिया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये टोकन की लाइव लॉन्चिंग हुई है, ऐसा नहीं है भैया कोई प्रीसेल रखा गया था, लाइव लॉन्चिंग हुई है। और जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई है दोस्तों वो ये है कि भैया टीम के किसी भी बंदे ने टोकन को सेल नहीं करा है, ना ही वो आगे सेल करेंगे। अब इसकी जानकारी आप जाके चार्ली फाइनेंस के ग्रुप में जाके ले सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे लाइव सेशंस होता है, AMA होती है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे बोलने पे या फिर किसी और के बोलने पे टोकन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, एनालिसिस कंप्लीट करें, उसके बाद जाके आपके मन में जो भी सवाल है जाके ग्रुप में पूछें, उसके बाद अपने रिस्क कैपेसिटी पर ही टोकन को परचेस करें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको टोकन की पूरी जानकारी दे देता हूँ, मार्केट में नई टोकन आई है, परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही है, लाइव लॉन्चिंग के बाद क्या सिलसिला रहा है सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। लेकिन भैया एक जो बात मैं नहीं करने वाला हूं वो है बाइंग कॉल की। जी हां दोस्तों, मैं किसी भी व्यक्ति को पर्सनली बाइंग करने को नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि आप बाइंग करेंगे खुद के रिस्क पे। चलिए सीधे चलते हैं पुकॉइन चार्ट पे और देखते हैं चार्ली इनू फाइनेंस जब से लॉन्च हुई दोस्तों, या फिर चार्ली फाइनेंस जब से लॉन्च हुई है इनका क्या स्टेटस रहा है, किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे गई है, और कितना बेटर होगा अगर चार्ली इनू फाइनेंस के बारे में हम सही से रिसर्च करें तो। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हम आ चुके हैं चार्ली फाइनेंस पे, जहाँ की दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भैया एक बहुत ही बड़ी पंपिंग की डंडी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर बार हमने देखा है जब भी कोई लाइव लॉन्चिंग प्रोजेक्ट होती है, और लाइव लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में दोस्तों अगर हमें एक प्रैक्टिकल फेयर लॉन्च देखने को मिलता है भैया तो प्रोजेक्ट ऊपर जाती ही जाती है। और हमें कुछ इस तरीके का ही यहाँ पे पंप देखने को मिला, जहाँ की दोस्तों लाइव लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में लगभग अब तक 9 गिनों की प्रॉफिट हो गई है, मतलब 9x हो चुका है प्रॉफिट प्रोजेक्ट अपने लॉन्च से। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे भैया BNB लिक्विडिटी लॉक्ड है या नहीं है तो वो भी आप आके यहां पे चेक कर सकते हैं दोस्तों, 39 BNB की लिक्विडिटी हो चुकी है, और यहां पे कोई भी हमें अनलॉक लिक्विडिटी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है, क्योंकि अगर अनलॉक रहती है लिक्विडिटी तो भैया चांसेस हो जाते हैं थोड़े मतलब डरावने सेशंस के। तो भैया यहाँ पे हमें लिक्विडिटी लॉक देखने को मिल रही है, जो कि यूजर्स के लिए एक एश्योरेंस की तरह काम करने वाली है। अब आ जाते हैं भैया प्रोजेक्ट पर, भैया प्रोजेक्ट कितनी अच्छी है, क्या है प्रोजेक्ट में दम, और कितनी आगे जा सकती है प्रोजेक्ट। और दोस्तों प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आप सभी को चार्ली इनू के सीधे सीधे चार्ली फाइनेंस के, दोस्तों बार बार इनू नहीं पता क्यों निकल रहा है भैया, चार्ली फाइनेंस के वेबसाइट पे, जहाँ की अगर आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख सकते हैं, टोकन की प्राइस प्रिडिक्शन को देख सकते हैं, और भैया यहाँ पर किस तरीके से टोकन आगे काम करने वाली है सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नीचे अगर हम थोड़ा सा आ जाए भैया इनकी क्या है निस, भैया किस तरीके से आगे काम करना चाहते हैं, तो ईजी पेमेंट्स के ऊपर, हाईली सिक्योर्ड, और भैया यहाँ पे टोकन के रिवॉर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिकली दोस्तों अगर हम देखें भैया यहाँ पे इनका जो मेन थीम है वो है पेमेंट सिस्टम पे काम करना आगे चल के, जो कि मैं मानता हूँ एक अच्छा नीश है दोस्तों, अगर एक्चुअली में ये काम करते तो आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिस्टम मिल जाता है, अगर आप टोकन को होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक रिवॉर्ड आपको होल्ड करने पर देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी का ऑप्शन लगा दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और यहाँ पे ढेर सारे आप यहाँ पे आके इनके टोकन के यूज केस को देख सकते हैं जो कि इन्होंने प्लान कर रखा है। अगर टोकन की टेक्नोमिक्स की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो टैक्स है टोटल वो 6% टैक्स है, 2% ऑटो रिवार्ड के लिए, 2% ऑटो लिक्विडिटी के लिए, 1% बायबैक के लिए और 1% मार्केटिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का, तो भैया 25% जो पैनकेक स्वैप के लिए, 15% डेवलपर वॉलेट में, 5% वायरल मार्केटिंग के लिए, 5% टीम डेवलपमेंट, 10% एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए भी इन्होंने फंड रखा है, और 40% जो है बर्न इवेंट के लिए इन्होंने मतलब टोकन को एलोकेट कर दिया है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए भैया, तो यहाँ पे ये किस में काम करने वाला है दोस्तों, आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाता है। 24/7 सपोर्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, जो कि इंडिया में शायद से थोड़ी नई चीज़ होने वाली है। दोस्तों अगर रोड मैप को भी हम देखें तो रोड मैप भी इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। अगर इस तरीके से काम ये आगे करते रहे तो दोस्तों जी हाँ, प्रोजेक्ट काफ़ी आगे जा सकती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो जो बात इन्होंने लिखी है, बिटमार्ट, ओके ईएक्स, क्वाइन टैगर, दोस्तों सारे बड़े से लेकर छोटे एक्सचेंजेस को इन्होंने इंक्लूड करा है। दोस्तों बिटहम्प का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है, Gate.io, बाइनेंस तक की लिस्टिंग की बात की जा रही है। तो एक काफ़ी अच्छा रोड मैप इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है दोस्तों, जो कि 2023 तक का रोड मैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर हम नीचे है तो भैया यहाँ पे Q&A भी आपको दिया गया, भैया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर हम उससे थोड़ा नीचे आ जाए वेबसाइट पे, तो भैया आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस के नाम देखने को मिल जाते हैं जिसपे ये टोकन बहुत जल्दी से लिस्ट हो सकता है, जिसमें से एक एक्सचेंज का नाम आपको देखने को मिल भी चुका है। जी हाँ दोस्तों, AZBit पे ये चार्ली फाइनेंस टोकन जो है 1 फरवरी को लिस्ट होने वाली है। अगर हम और नीचे आ जाते हैं भैया यहाँ पे, तो आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है। बट सबसे पहले अगर टोकन की बात करें भैया, तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वेरीफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को भी थोड़ा सा वेरीफाई कर ही लेते हैं भैया। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे मतलब कितने लोग अब तक इस टोकन के साथ जुड़े हैं ये भी पता चल ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कर लिया इनके दोस्तों जो भी है ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कॉपी। अब हम चलेंगे सीधे कहाँ भैया, BSC स्कैन पे। और दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हम आ चुके हैं BSC स्कैन पर, जहाँ कि भैया हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर दिया और सीधे सर्च वाले बटन पे क्लिक कर दिया। और जैसे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे चार्ली फाइनेंस नाम से आ जाती है टोकन, जो कि यहाँ पे बिल्कुल लिस्टेड है। 610 होल्डर हो चुके हैं दोस्तों इस टोकन के, जहाँ की दोस्तों अगर हम होल्डर्स की बात करें तो भैया अभी भी बहुत इनिशियल फेज में, मतलब 610 ही होल्डर हुए हैं, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज में टोकन देखने को मिल रही है। बट लाइव लॉन्चिंग होने के कारण दोस्तों टोकन की प्राइस जो है इनिशियल प्राइस से 9x हो चुकी है। अब बाइंग करना कहाँ पे सही रहेगा दोस्तों, इस पर मैं अभी नहीं आना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट ही वीडियो और प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं खुद के डिसीजन से बाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर चुकी है दोस्तों। यहाँ पे अगर नीचे हम होल्डर्स वाले पेज पे आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा होल्डर्स में सबसे ऊपर जो वॉलेट एड्रेस है उसमें 80% टोकन रखे गए हैं। और जी हाँ दोस्तों ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भैया डेवलपर अभी टोकन इनिशियली लॉन्च हुई है तो डेवलपर वॉलेट में 80% टोकन है, क्योंकि दोस्तों नई टोकन है, बाद में हो सकता है रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। बट अभी के लिए दोस्तों आप सभी देख सकते हैं भैया यहाँ पे 80% टोकन एक वॉलेट में रखे गए हैं। अब दोस्तों अगर हम पीछे आ जाए वेबसाइट में, तो थोड़ी सी जानकारी आपको और एडअप करके दे देता हूँ। और फाइनली दोस्तों हम वेबसाइट पे आने के बाद दो बातें आपको कहना चाहेंगे भैया, यहाँ पे मैंने आपको टोकन की पूरी जानकारी दे दी, अब आप बाइंग करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये टोटली आपकी डिसीजन होनी चाहिए आप किसी प्रोजेक्ट को बाई करें या फिर ना करें। मैंने आपको पूरी जानकारी बेहतरीन ढंग से समझाई और पोर्स एंड कॉन्स क्या क्या वो भी बता देता हूं दोस्तों। अगर हम प्रोजेक्ट को देखें भैया, तो प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से डिजाइन की गई है, सच्ची बात है, यहाँ पर मतलब अच्छा रोड मैप भी रखा गया है और ओवरऑल पंपिंग भी अब तक काफ़ी अच्छी रही है। अब अगर कॉन्स की बात करें दोस्तों, तो एक ही कॉन अभी हमें नजर आया दोस्तों, हमने देखा होल्डर्स वाले पेज पर 80% टोकन एक ही वॉलेट में। अब डिसीजन आपका दोस्तों, आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर ना करना चाहें दोस्तों तो ना भी करें, क्योंकि दोस्तों हम इस पर फिर से कहना चाहूंगा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। फिर मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।